एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका आज हमारा पार्ट वन है, जिसमें हम कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें ये भी आइडिया होता है कि एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये आपके पीजीटी कॉमर्स के लिए केवीएस, एनवीएस, DSSSB, यूपी, हरियाणा या कहीं भी आप पीजीटी कॉमर्स का पेपर देने जा रहे हैं, सभी के लिए आपका यूज़फुल है। तो आज हमारा पार्ट वन है दोस्तों, और मैंने कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इन 15 क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा हर क्वेश्चन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं करेंगे क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर बताया, क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर बताया। हम उसके कुछ एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हैं, और पॉसिबिलिटी है कि अभी पिछले सालों में इस तरह से क्वेश्चन आया है, आने वाले सालों में कुछ बदल कर उसी टॉपिक के ऊपर अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, डैश इज नॉट एन एलिमेंट्री कॉम्पोनेंट ऑफ इन द BCG मैट्रिक्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन BCG मैट्रिक्स का कॉम्पोनेंट नहीं है। दोस्तों, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। BCG मैट्रिक्स में चार कॉम्पोनेंट होते हैं, डॉग्स, क्वेश्चन मार्क और प्रॉब्लम, स्टार्स एंड कैश काउ। दोस्तों, BCG मैट्रिक्स में हम लोग मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर्स के बेस पर चार क्वाड्रेंट में मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं डॉग्स की, तो डॉग्स में क्या होता है, लो ग्रोथ होती है और लो मार्केट शेयर होता है। यानी डॉग्स वाले क्वाड्रेंट में आपकी मार्केट जो ग्रोथ है वो भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, मींस कम है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की, तो इसमें आपकी ग्रोथ हाई होती है लेकिन मार्केट शेयर लो होता है। यानी कि आपके पास पॉसिबिलिटी है ग्रोथ गेट करने की अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करके। यानी कि आपके पास ग्रोथ तो बहुत है लेकिन अभी आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, तो स्टार्स में आपकी हाई ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है। कैश काउ में आपका लो ग्रोथ है और हाई मार्केट शेयर है। यानी कि आपके पास मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी सेट करनी होती है। तो क्या कॉम्पोनेंट हो गए, डॉग में दोनों लो, लो मार्केट शेयर, लो ग्रोथ। अगर आप कैश काउ की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, लो ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर। स्टार्स में दोनों हाई हैं, और क्वेश्चन वाले में अगर हम क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो उसमें ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट शेयर लो है। तो साथ में दोस्तों, हम इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे, ताकि BCG मैट्रिक्स से क्वेश्चन अगर ये वाला ना आके कुछ और भी आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। यानी कि हम एनालिटिकल तरीके से प्रीवियस ईयर करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर बता दिया। तो आपको पता चल गया कि BCG मैट्रिक्स में चार कॉम्पोनेंट हैं, उनके अंदर क्या है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ एलिमेंट्री कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट इन द BCG मैट्रिक्स। तो कौन सा हो गया दोस्तों, एलिफेंट, क्योंकि स्टार भी है, डॉग भी है, कैश काउ भी है, तो कौन नहीं है BCG मैट्रिक्स का कंपोनेंट, एलिफेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट। चलिए दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन अलोंग विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट कैन बी टर्म एस। आपको कह रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन आपने चूज करना है जिसमें हम रिडक्शन या टर्मिनेशन करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील कर रहे हो उसको या तो आप कम कर देते हो या बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी में आता है। दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। दोस्तों स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में हम अपनी प्रेजेंट सेल से प्रेजेंट ग्रोथ से सेटिस्फाई होते हैं, जितना भी हमारे प्रोडक्ट में जिसमें भी हम डील कर रहे होते हैं उससे सेटिस्फाई होते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, यानी कि आप हैप्पी हैं जैसा आपका बिजनेस चल रहा है। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है दोस्तों ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। दोस्तों इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चाहे तो आप ये ग्रोथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में करें, यानी कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ाएं, या फिर नई मार्केट में एंटर करें, या फिर नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें, यानी कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो। देन दोस्तों आपका आ जाता है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज। दोस्तों रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप नियर फ्यूचर में अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं और आप धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। दोस्तों टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन ये तीनों रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी के पार्ट हैं, ये कोई अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं है। टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन रिट्रेचमेंट के ही पार्ट हैं। टर्न अराउंड मतलब कि आप ऑल एस्पेक्ट चेक करते हो कहाँ से किस में क्या आप एक्टिविटी को लेसर करें। डिवेस्टमेंट आप अपने शेयर को सोल्ड करने की कोशिश करते हो, और लिक्विडेशन तो बिल्कुल सारा शेयर सारे मार्केट के एसेट सब कुछ सोल्ड करके कंपनी को शट डाउन कर देते हो। देन दोस्तों आता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। इन कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रेटजीज डिस्कस अबव, यानी कि हम स्टेबिलिटी और ग्रोथ को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, स्टेबिलिटी और रिट्रेचमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं, सो ऑन। तो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे रिट्रेचमेंट का मतलब ये नहीं कि हम बिजनेस शट डाउन करना चाहते हैं, हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट की डिमांड ना हो ज़्यादा, तो आप क्या करोगे उसमें डिवेस्टमेंट करके वहाँ से अपना मनी विड्रॉ करके किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है कि रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसमें करते हैं हम, तो किसमें करते हैं दोस्तों ये रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी में। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो रिट्रेचमेंट का था, हो सकता है कभी आपको स्टेबिलिटी का पूछ लें, ग्रोथ का पूछ लें, टर्न अराउंड का पूछ लें या कॉम्बिनेशन का पूछ लें। तो हम इस तरह से डिस्कस करते हुए करेंगे ताकि आपको आसानी से आंसर भी पता चल जाए और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या है कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ग्रोथ से सेटिस्फाई हैं, प्रॉफिट से सेटिस्फाई हैं, और अभी कुछ टाइम अपना बिजनेस ऐसे ही ग्रो करना चाह रहे हैं। ग्रोथ और एक्सपेंशन में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, चाहे तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हो या फिर नई मार्केट में एंटर करके हो या फिर नए प्रोडक्ट में डील करके हो। रिट्रेचमेंट में आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या सर्विस है उसमें आप कमी करते हैं, उसमें टर्मिनेशन करते हैं, क्लियर है? और टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन इसी के पार्ट हैं। इन कॉम्बिनेशन में हम इनका मिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। डैश इज द टूल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ सेटिस्फैक्ट्री ए कॉर्पोरेट एंटिटी हैज डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बताना है कि वो कौन सी ऑडिट है जिसमें आप ये चीज़ चेक करते हो कि कॉर्पोरेट जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहा है। तो एक एक को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले है हमारे पास कॉर्पोरेट ऑडिट। कॉर्पोरेट ऑडिट क्या होता है दोस्तों? ए कॉर्पोरेट ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रोसीजर एट अ कॉर्पोरेट। यानी कि यहाँ पे हम कैसे ट्रांजेक्शन को देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को ऑडिट करते हैं किसमें, कॉर्पोरेट ऑडिट में। तो यहाँ पे सोशल तो कर नहीं रहे, ये तो होगा ही नहीं। देन आ जाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एन इवॉल्विंग बिजनेस प्रैक्टिस विच दैट इनकॉर्पोरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि CSR हमें ये दिखाता है, सिखाता है कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपने ऐसी चीज़ें देखनी हैं जिससे कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ का सोशल, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पर कैसा इम्पेक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़े। यानी कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कॉर्पोरेट की जो कि सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के प्रति हैं, के लिए हैं कि वो उनको डैमेज ना करे, हार्म ना करे। और अगर कॉर्पोरेट की किसी एक्टिविटी से इनको हार्म होता है तो इसके लिए करेक्टिव एक्शन ले, कुछ इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। देन दोस्तों आ जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट इज एन असेसमेंट ऑफ मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट से हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट के कितने डिसीजन ऐसे हैं जिनसे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, कॉरपोरेट के जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के बारे में चेकिंग करते हैं कि जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है रिसोर्सेज से रिलेटेड या कॉर्पोरेट से रिलेटेड, उससे कितना फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, वो हम किस में देखते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में। तो आपसे क्या पूछा था, डैश इज द टूल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ सेटिस्फैक्ट्री अ कॉर्पोरेट एंटिटी हैज डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये देख रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमसे कहाँ से पता चलता है, हमें सोशल ऑडिट से। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोशल ऑडिट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर्ड एन एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इफ ए डाइंग यूनिट टेक्स ओवर ए स्पाइनिंग एंड वीविंग यूनिट सच एज इंटीग्रेशन इज कॉल्ड। आप एग्जाम्पल ले रहे हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, जिसने डाइंग यूनिट ने जो डाई करती है कपड़े को, उसने स्पाइनिंग और वीविंग वाला भी यूनिट को खरीद लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले दोस्तों इन इंटीग्रेशन को हम लोग समझते हैं क्या होते हैं। चार तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला होता है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? इन बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व एक्वायरिंग ए बिजनेस ऑपरेटिंग अर्लियर इन द सप्लाई चेन। यानी कि सप्लाई चेन में जो पहले से पुराना कोई बिजनेस है उसको अगर आप परचेज कर लेते हो तो आपका क्या है, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल रिटेलर्स बाय अ होलसेलर। देखिए पहले क्या होता है, कंपनी से डायरेक्ट होलसेलर खरीदता है, होलसेलर के बाद रिटेलर।
रिटेलर ने किसी होलसेलर को ही खरीद लिया है, यानी कि वो डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे हैं, तो ये क्या है, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। देन दोस्तों आता है कॉन्ग्लोमेरेंट इंटीग्रेशन। कॉन्ग्लोमेरेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसे दो बिजनेस को आपस में मर्ज करना, जोड़ना, खरीद लेना जो कि एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है। मान लो एक FMCG में डील कर रहा है और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर में डील कर रहा है, एक किसी और प्रोडक्ट में डील कर रहा है, दूसरा दूसरी में, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं है। दो कंपनियां जिनका प्रोडक्ट सेम नहीं है और उनको आपस में इंटीग्रेशन किया जाता है, तो इंटीग्रेशन क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। देन दोस्तों आता है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। दिस इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग ए बिजनेस फर्दर अप इन द सप्लाई चेन, यानी कि सप्लाई चेन में जो फर्दर अप ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसको इन्वॉल्व करना। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल मैन्युफैक्चरर बाय अ कार पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए एक कंपनी व्हीकल बनाती है और वो कार पार्ट किसी और से खरीदती है। अगर व्हीकल बनाने वाली कंपनी कार पार्ट बनाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को खरीद लेती है तो इस किस तरह का इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और दोस्तों आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी को बाय कर लेती है तो वो किस तरह का इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ताकि फ्यूचर में अब उसे दूसरों से ना खरीदने पाए, खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपनी ही कंपनी से परचेज करके आगे की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करें। देन दोस्तों आ जाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सेम प्रोडक्ट में डील, जैसे कॉन्ग्लोमेरेंट में कैसी कंपनी को बाय किया गया था, अनरिलेटेड को, हॉरिजॉन्टल में क्या किया जाता है, रिलेटेड। हेयर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री एंड विच ऑपरेट एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कंबाइंड। सपोज एक इंडस्ट्री राइस सोल्ड करने का काम करती है तो वो राइस वाली इंडस्ट्री दूसरी राइस वाली इंडस्ट्री को अगर परचेस कर लेती है तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक कंपनी क्लोथ्स में डील करती है, वो क्लोथ्स की दूसरी कंपनी को परचेस कर देती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एक कंपनी नेटवर्किंग में डील कर रही थी, दूसरी नेटवर्किंग कंपनी को वो खरीद लेती है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्लियर है दोस्तों? तो वर्टिकल में क्या हुआ कि या तो बीच का जो हमारा सप्लाई लाइन में बीच में कोई भी एक बिजनेस था उसको खरीद लिया, या जहाँ से हमें रॉ मटेरियल आता था वो खरीद लिया। हॉरिजॉन्टल में रिलेटेड प्रोडक्ट की कंपनीज को बाय किया और कॉन्ग्लोमेरेंट में अनरिलेटेड। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था जिसने डाइंग यूनिट ने स्पाइनिंग और वीविंग को भी खरीद लिया। तो दोस्तों ये कैसा इंटीग्रेशन होगा हमारा, अब तो आप आसानी से मैंने आपको इंटीग्रेशन बता दिए हैं भी, उसने रॉ मटेरियल यानी कि जहाँ से उसका बाकी काम होके आता था उसको खरीदा है, तो ये किस तरह का इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड यूजुअली कंपेयर द एक्चुअल डेटा विद एस्टिमेटेड डेटा टू अराइव एट अ कंक्लूजन। हम आपसे पूछा है कौन सी कॉस्टिंग की टेक्निक है जिसमें आप एक्चुअल डेटा को एक एस्टिमेटेड डेटा से कंपेयर करते हैं कंक्लूजन पे आने के लिए। तो इस तरह की जो टेक्निक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम एस्टिमेशन को एक्चुअल से मैच करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ज़्यादा आया तो क्यों आया
उसका रीज़न फाइंड आउट करो ताकि कम किया जा सके, और अगर एस्टिमेशन से कम आया है तो उसको वहीं पे मेंटेन रखा जाए। सपोज़ एस्टिमेट किया कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो 4 रुपीज़ पर यूनिट की आएगी और आ गई आपकी 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये जो डिफरेंस हम मैच करते हैं इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस के रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से 6 रुपीज़ को 4 तक लाया जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपके 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है कॉस्ट कंट्रोल और एक आता है दोस्तों कॉस्ट रिडक्शन। ये दोस्तों मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लेक्चर भी डाला हुआ है, धीरे धीरे मैं उसमें और लेक्चर ऐड करूंगी जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? अगर आप एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट तक लाने की कोशिश करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि आप ये देख रहे हो कि आपने एस्टिमेट करके वैल्यू करी थी 4, आ गई 6, उसको 6 को आपने हर संभव प्रयास करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस किए बिना कैसे आप 6 को 4 तक लेके आए, तो क्या है वो? कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी नीचे लाना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि आपके जो मटेरियल की कॉस्ट है हमारे एग्जांपल में वो 4 रुपीज़ से भी लेसर हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कॉस्ट 4 रुपीज़ से भी कम हो जाए, 3.8 हो जाए, 3.5 हो जाए एंड सो ऑन, तो इसको क्या कहते हैं हम? कॉस्ट रिडक्शन। एक बार फिर से बता रही हूँ, एक्चुअल कॉस्ट को जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट तक लाने की कोशिश करते हैं तो उसको कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं, और एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों ये जो आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है ये परमानेंट नेचर का होना चाहिए, वन थिंग। दूसरा, आपके ओन एफर्ट से होना चाहिए, यानी कि खुद के आपने एफर्ट्स लगाए हैं और उससे आप कॉस्ट को कम करके लेके आई हैं। फॉर एग्जांपल एफर्ट्स कैसे? आपने देखा कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, फिर आपने वर्क को एनालाइज़ किया कि कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको अनस्किल्ड वर्कर भी कर सकते हैं और उन वर्क के लिए आपने स्किल्ड वर्कर को हायर किया हुआ है और उनको आप हाई सैलरी पे कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? ऐसे सारे काम जो अनस्किल्ड पर्सन कर सकते हैं उनके लिए अनस्किल्ड वर्कर को हायर करोगे और कॉस्ट को रिड्यूस करोगे। क्लियर है? तो आपके खुद के एफर्ट्स होने चाहिए कि आप कंपनी में एनालाइज करके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज करके ऐसे ऑप्शन सर्च करें जिनको आप कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ कर सकें। और कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने के लिए कॉस्ट कम कर दी, वो थोड़े से लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि परमानेंट नेचर की होनी चाहिए और आपके खुद के एफर्ट्स के लिए वजह से होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी को ख़राब करके नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आप कॉस्ट रिडक्शन के तरीके अपनाएंगे उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। अब इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आंसर हो गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअल डेटा और एस्टिमेटेड डेटा को कंपेयर करके कंक्लूजन निकालते हैं। अब समझ लेते हैं बैच कॉस्टिंग क्या होता है। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं कॉस्टिंग के और उनको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका डिटेल मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एक डिटेल लेक्चर में सब कुछ उसमें डिस्कस करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। अभी मैं ये सब चीज़ें आपको प्रिसाइज फॉर्म में बता रही हूँ। बैच कॉस्टिंग क्या होती है? जहाँ पे प्रोडक्शन बैच में होती है, यानी कि आप जो कॉस्ट है वो 10 यूनिट की, 100 यूनिट की, 1000 यूनिट्स की एक बैच बना के कॉस्ट जहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो वो आपकी क्या है? बैच कॉस्टिंग।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि सपोज़ आपने कोई काम किया, कोई एक्टिविटी की, और उसकी एक जगह पे सारे एक्सपेंडिचर लिख ली और कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, तो वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। देन आपका आ जाता है जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने कोई रिपेयर का काम किया या कोई मशीनरी रिपेयर की और उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट है, इसे क्या कहेंगे, जॉब कॉस्टिंग। यानी कि जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट एक जगह पे उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर लिख के कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे की टाइप की कॉस्टिंग होती है, मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में मैं आगे वो सारी चीज़ें अपलोड करके आपको दे दूँगी और वीडियो को अपलोड कर दूँगी रिकॉर्ड करके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ों का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेंगे तो ये 15 क्वेश्चंस का ही जो हमारा ये वीडियो है आज का बहुत लेंथी हो जाएगा, तो जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतना एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रिसाइज फॉर्म में दे रही हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैपिटल बस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर प्राइमरली टेकन फॉर। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हम किस चीज़ के लिए लेते हैं, तो दोस्तों कैपिटल बस्टिंग डिसीजन क्या होते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन। सपोज़ आपको कोई हैवी मशीनरी परचेस करनी है और वो मशीनरी है भाई 5 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 1 करोड़ की है, तो आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्ट करनी है, यानी कि आपको किसके लिए डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप मशीनरी का प्लांट का यूज़ एक साल के लिए नहीं करते हैं, यू विल यूज़ ऑल दोज एसेट्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहाँ से रिलेटेड हैं, लॉन्ग टर्म से। ये हमारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस भी होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम 3 तरह के डिसीजन लेते हैं, एक होता है डिविडेंड से रिलेटेड, एक होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और एक कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यानी कि उसमें 3 तरह के डिसीजन हम लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें कितना परसेंट शेयर होगा, कितना परसेंट डिबेंचर होगा, कितना परसेंट लोन होगा, और ये डिसीजन हम उनकी कॉस्ट के बेस पे लिखते हैं कि ये लोन लेने का या शेयर इशू करने का कॉस्ट कंपनी को क्या आएगा। सिमिलरली कैपिटल बस्टिंग में हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। हमारे पास आपने सुने भी होंगे नाम, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, टर्मिनल वैल्यू मेथड, देयर आर लोट्स ऑफ मेथड जिसके बेस पे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों हमसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किसके लिए होता है, तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से फादर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के पिता किसे कहते हैं, लोका पिसियोली। तो इसमें तो दोस्तों कुछ समझाने की नीड ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग के फादर किसे कहते हैं, लुका पिसियोली। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट एज पर पोर्टर मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पोर्टर मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में का कौन पार्ट नहीं है। देखिए दोस्तों कॉस्ट लीडरशिप पोर्टर स्ट्रेटेजी का पार्ट है, पोर्टर मॉडल आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कॉस्ट लीडरशिप उसका पार्ट है, डिफरेंशियल स्ट्रेटजीज भी उसका पार्ट है, फोकस स्ट्रेटजी भी उसका पार्ट है, तो कौन नहीं है, प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों,
तो ये तीनों पार्ट है पोर्टल मॉडल का। पोर्टल मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप देखोगे उसमें कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी भी है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी भी है और फोकस स्ट्रेटेजी भी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन नहीं है उसका पार्ट, प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटेजीज। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, और आगे भी आप उसी तरह से जब आप पढ़ते हो तो अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि आपको किस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कई बार दोस्तों हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वही अप्रोच हम लोग अप्लाई नहीं करते तो हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। तो पढ़ते समय प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके फिर प्रिपरेशन करो, मीन्स यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी ड्रॉ अ मैट्रिक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस इन विच क्वाड्रेंट विल द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर बी प्लेस्ड। अगर आप स्वॉट एनालिसिस करते हो तो आप उसमें एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर को किस क्वाड्रेंट में रखोगे, ये आपको बताना है। दोस्तों स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या होती है, एस फोर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फोर वीकनेस, ओ फोर अपॉर्चुनिटी, एन टी फोर थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोस्तों इंटरनल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स हैं। तो पहले एक एक समझ लीजिए, स्ट्रेंथ में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ का पहला पॉइंट है व्हाट डू यू डू वेल, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में आप बहुत अच्छा करते हैं। व्हाट यूनिक रिसोर्सेज कैन यू ड्रॉ ऑन, आपके पास कौन से यूनिक रिसोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हैं जो औरों के पास नहीं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। व्हाट डू अदर सी एज योर स्ट्रेंथ, दूसरे आपकी स्ट्रेंथ को किस तरह से देखते हैं, यानी कि आपके पास दूसरों से अलग ताकत क्या है। वीकनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट कुड यू इम्प्रूव, यानी कि आप में ऐसे कौन सी कमी है जिसको आपको सुधार करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए और वीकनेस को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वेयर डू यू हैव फीवर रिसोर्सेज देन अदर, कौन से ऐसे फेस हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो दूसरों से आपके पास कम हैं क्योंकि उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। व्हाट आर अदर लाइकली टू सी एज अ वीकनेस, दूसरे आपकी किस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसके लिए रेडी रहें या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बना के रखें ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपन टू यू, यानी कि मार्केट में क्या मौके हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हो। व्हाट ट्रेंड्स कुड यू टेक एडवांटेज ऑफ, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी सिनेरियो चल रहा है ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका आप एडवांटेज लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हो। हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ इनटू अपॉर्चुनिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि इंटरनल रिसोर्सेज की जो की वजह से जो आपकी स्ट्रेंथ है किस तरह से उसे अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए तभी आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। देन दोस्तों लास्ट क्वाड्रेंट में होता है थ्रेट्स, व्हाट थ्रेट्स कुड हार्म यू, क्या ऐसी मार्केट में चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं, आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप काउंटर स्ट्रेटेजी के साथ उनका सामना करने के लिए रेडी रहें। व्हाट इज़ योर कॉम्पिटिशन डूइंग, और यू कैन से कॉम्पिटिटर डूइंग, आपको ये भी नज़र रखनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या कर रहे हैं।
जिससे कि आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। आप सबसे बड़ा एग्जांपल जियो का ले सकते हैं। जियो ने अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबको कितना नुकसान हुआ था, यानी कि इनकी टेलीकॉम बिल्कुल ठप पड़ गया था कुछ टाइम के लिए। तो आपके अपने कॉम्पिटिटर पर भी नज़र रखनी चाहिए, जो कि अपने बिजनेस, आपके बिजनेस को हार्म कर सकते हैं। व्हाट थ्रेट डू योर वीकनेस एक्सपोज टू यू, यानी कि क्या ऐसी आपकी वीकनेस है जिसका फ़ायदा आपके कॉम्पिटिटर उठा सकते हैं, उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। चारों चीज़ें क्लियर हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। If we draw a matrix of SWOT analysis, in which quadrant will the entry of other market player be placed? Market में और player शामिल हो गए, entry हो गई। देखिए दोस्तों, market में other player आए हैं, तो ये internal से तो कोई relation नहीं है इसका, ना तो ये strength है और ना ही क्या है ये weakness है। ये तो कट गए। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की। अपॉर्चुनिटी आपको मैंने बताया, मार्केट की फेवरेबल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी में आती है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि नया प्लेयर आएगा तो नया कंपटीशन लाएगा, नई स्ट्रेटेजीज लाएगा, जिसके लिए आपको भी अपने लिए रेडी करना होगा, उसके लिए अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपको रेडी करना होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेट। यानी कि नया प्लेयर अगर मार्केट में एंटर करता है तो वो क्या है आपके लिए, थ्रेट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे के प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसी में इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँ। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाले सेशन में हम उन चीज़ों को कंसिडर कर सकें। दोस्तों, मैं एक मिनिमम डिस्कशन साथ के साथ कर रही हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक चैप्टर बन जाएगा और एक घंटा दो घंटे का सेशन उसी के डिस्कशन में हो जाएगा। तो क्वेश्चन से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, ताकि क्वेश्चन अगर डायरेक्टली ऐसे ना आके दूसरे एस्पेक्ट से आए तो भी आप आंसर राइट कर सको। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Select the option which correctly arrange the following event in ascending order to their occurrence. आपको इवेंट को अरेंज करना उनके अकरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पहले हुआ असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं आपको, ध्यान ये भी रखना है असेंडिंग डिसेंडिंग का भी। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो पहले हुआ उसको पहले, जो बाद में हो उसको बाद में, एंड सो ऑन। तो दोस्तों, ये तो आपको पढ़ाई से पता चलेगा, आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सिर्फ आपको सीक्वेंस याद करना है कि सबसे पहले क्या आया, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, फिर क्या आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर क्या आया, हावथ्रोन स्टडी, एंड लास्ट में दोस्तों क्या आया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा होता तो आपका कौन सा सही हो जाता सीक्वेंस, ये 1, 3, 2, 4। यानी कि आपको ध्यान देना है असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब जो पहले हैपन हुआ उससे पहले, जो बाद में हैपन हुआ उससे बाद में, डिसेंडिंग मतलब जो बाद में हैपन हुआ उससे पहले और जो पहले हैपन हुआ उससे बाद में। क्लियर है दोस्तों? तो पहले क्या आया, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट आया, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट आई, फिर हावथ्रोन स्टडी आई, एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। अगर आपके दोस्त पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे सेशन का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट
अ फाइनेंशियल फंक्शन। दोस्तों ये भी मैंने पीछे क्वेश्चन आया था कैपिटल बस्टिंग का, वहाँ पे डिस्कस कर दिया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो तीन फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटल बस्टिंग। फाइनेंशियल डिसीजन में आप देखते हो सोर्सेस कहाँ कहाँ से आपको गेट करने हैं, ये डिसीजन आप लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके। डिविडेंड डिसीजन, कितना पोर्शन डिविडेंड का आप शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना पोर्शन कंपनी में री इन्वेस्ट करो, इसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि हम लोग एफएम में पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कैपिटल बस्टिंग के तरीके, कैसे आपने डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर एसेट को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, कुछ मॉडर्न हैं कुछ ट्रेडिशनल हैं। ट्रेडिशनल टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं, मॉडर्न टेक्निक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन आपका फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज यूजुअली सुटेबल फॉर माइनिंग कंपनीज अंडर नॉर्मल सरकमस्टांसेस। जो दोस्तों आपकी माइनिंग से रिलेटेड, खुदाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें हम कैसी डेप्रिसिएशन की टेक्निक मेथड यूज़ करते हैं, डिप्लीशन मेथड। ऐसे सारी सिचुएशन, ऐसे सारे सरकमस्टांसेस जिसमें खुदाई करके हम किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिप्लीशन मेथड। तो माइनिंग में क्या यूज़ हो रहा है, डिप्लीशन मेथड। क्लियर है दोस्तों? बाकी दोस्तों मैं आपके लिए एक डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड की एक वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें आपको ये मेंशन कर दूंगी कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर सुटेबल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सीधा सीधा था क्वेश्चन था कि भाई माइनिंग में आपको कौन सा डेप्रिसिएशन का तरीका यूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ यूजुअली सुटेबल फॉर माइनिंग कंपनीज। तो कौन सी है, डिप्लीशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है। दोस्तों आपको पता है सब्सिडरी बुक कौन सी होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सब क्या है, पेटी कैश बुक, सब्सिडरी बुक। तो कौन सी बुक नहीं होती इसमें से, सीधा सीधा पता चल रहा है हमारा कौन नहीं है, जनरल बुक। जनरल बुक कुछ नहीं होती, एक जनरल प्रॉपर होता है, जनरल बुक कुछ नहीं होता, यानी कि वो सारी एंट्री जिनको ना कैश बुक में जगह मिली एंट्री करने की, ना परचेज बुक में हुई हैं, ना जिनकी एंट्री सेल बुक में हुई है, ना सेल रिटर्न में हुई है, ना परचेज रिटर्न में हुई है, कहीं भी किसी भी बुक में एंट्री नहीं होती, तो उनको हम कहाँ राइट करते हैं, जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर होता है, जनरल बुक हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जनरल बुक का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड विच मेथड ऑफ मटीरियल इशू वुड हेल्प टू इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन इज अप्रोक्सीमेटली द करंट प्रिवेलिंग प्राइस लेवल। आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहा है इन्फ्लेशनरी पीरियड में आपको मटेरियल इशू करने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है
प्रिवेलिंग प्राइस रेट पे रहे, यानी प्रिवेलिंग मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके आसपास रहे। देखिए दोस्तों, मटेरियल इशू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल पहले आया है उसे पहले निकालो। सपोज़ आपके स्टॉक में एक 10 रुपीज़ के ऊपर 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से हैं, 50 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से हैं। तो अगर आप फीफो मेथड यूज़ कर रहे हो और आप मटेरियल इशू करते हो, तो इसमें कौन सा मटेरियल पहले इशू करोगे? 100 यूनिट्स जो 10 के रेट पे हैं, यानी कि 10 रुपीज़ वाले माल को पहले निकालोगे, पहले स्टॉक को ख़त्म करोगे, फिर बाद वाले को करोगे। सिमिलरली अगर हम लीफो की बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आप लीफो मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आप कौन सी यूनिट को पहले से निकालोगे? जो 25 रुपये के आसपास है। अभी बेटा इन्फ्लेशनरी पीरियड की बात हो रही है और मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस पे बात हो रही है, तो कौन सा मेथड अच्छा रहेगा? जिस पर आप करंट प्राइस पे मटेरियल को अगर इशू करोगे, देखिए यहाँ पे कॉस्ट में 10 रुपये ऐड हो रहा है और यहाँ पे 25 रुपये ऐड हो रहे हैं। सपोज़ मार्केट में प्राइस है 30, तो किस में बेटर रहेगा? लीफो में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि अगर आप फीफो करोगे तो फीफो में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखेगा। अगर आपको क्वेश्चन यही इस तरह से होता कि किस मेथड को यूज़ करें जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा दिखे, ज़्यादा आए, तो वो कौन सा मेथड है? फीफो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा है कि करंट मार्केट प्राइस के पास आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वो क्या होता है? लीफो। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेस स्टॉक मेथड में क्या करते हैं? बेस स्टॉक मेथड में एक मिनिमम स्टॉक डिसाइड करते हैं कि इतना स्टॉक हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड कुछ ऐसा कुछ खास डिस्कशन इसके लिए नहीं है। ज़्यादातर हम लोग ध्यान रखते हैं फीफो लीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड में अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? सपोज मैंने अपना एग्जांपल लिया था, इसमें 10, 20 और 25 का मटेरियल मेरे स्टॉक में अवेलेबल था। तो अगर मेरे पास तीन प्राइस का मटेरियल है, 10, 20 और 25, तो जितने नंबर ऑफ प्राइस हैं उससे डिवाइड करके इशू प्राइस निकालते हैं, यानी कि जितने स्टॉक में जितने प्राइस का मटेरियल है उन प्राइस को ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ प्राइस हैं उससे डिवाइड कर दो। इस तरह से आपका क्या निकलता है? सिंपल एवरेज में इशू प्राइस। अगर इसी की बात करें तो कितना आ जाएगा? 25 + 20 = 45 + 10 = 55 / 3। तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या आ जाता है? 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। देखिए अगर ऑप्शन में सिंपल एवरेज भी होता तो भी इस सिचुएशन वो सेट नहीं बैठता, क्योंकि हमने लीफो के अकॉर्डिंग 25 रुपये और 20 रुपये से इशू किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 18.33। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं? जितने स्टॉक में प्राइस होते हैं उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ प्राइस यानी कितनी वैरायटी है प्राइस की उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड। हमारे एग्जांपल में 3 तरह के प्राइस थे तो 3 से डिवाइड किया, 2 तरह के होंगे 2 से, 5 तरह के प्राइस होंगे 5 से। इसे क्या कहते हैं? सिंपल एवरेज मेथड। आई होप सिंपल एवरेज मेथड भी आपको समझ आ गया हो, क्योंकि दोस्तों हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि प्रीवियस ईयर का आपको एडवांटेज मिले। वरना प्रीवियस ईयर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, बुक लोगे और पढ़ लोगे। हमें इस तरह से डिस्कस करना है कि हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करें। चलिए दोस्तों एक और डिस्कस कर लेते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ मेरे स्टॉक में मैंने जो माना था, एज्यूम किया था 100 यूनिट्स हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से, 200 यूनिट्स हैं 20 रुपीज़ के हिसाब से और 50 यूनिट्स हैं सपोज़ 15 के रेट से।
ये तीन तरह के स्टॉक मेरे में अवेलेबल हैं। अगर मैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मतलब है, यूनिट से मतलब है और यूनिट्स की वैल्यू से मतलब है, यानी कि इन यूनिट्स की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 यूनिट्स हैं, एक 10 की है, क्या वैल्यू होगी, 1000। 200 यूनिट्स हैं, एक की वैल्यू 20 है, 2 × 4 कितना आ जाएगा, 4000। 50 यूनिट्स हैं और एक 15 की है, 75। तो दोस्तों टोटल कितने वैल्यू का मटेरियल मेरे स्टॉक में है, 1000 प्लस 4000 प्लस 750, यानी कि 1 × 4 = 5, 5750 इतने रुपीस का मेरे स्टॉक में मटेरियल है। और कितने यूनिट्स हैं, 100 प्लस 200 प्लस 50, 350। वैल्यू है स्टॉक की 5750 और यूनिट्स कितनी हैं, 350। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप इशू प्राइस वेटेड एवरेज से कैसे निकालते हैं, आप वेटेड प्राइस निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक। क्या जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक, कट करके क्या निकाल देंगे, आंसर 5 से जा रहे हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 = 25। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 = 4, 7 × 6 = 42, 3 × 7 = 28, 20, 7 × 2 = 14, क्या इशू प्राइस आ गया, 16.42। यानी कि दोस्तों हमारे पास मटेरियल को इशू करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं और हर मेथड से जो इशू प्राइस है वो क्या आता है, डिफरेंट आता है। यानी कि हर मेथड से जो नंबर ऑफ यूनिट हैं वो तो सेम आएगी लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताए। वापस एक बार फिर से आपको अपना क्वेश्चन बता रही हूँ कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इन्फ्लेशनरी पीरियड में किस मेथड से हम मटेरियल को इशू करें कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे आ जाए। अगर आपने ध्यान से सारी एक्सप्लेनेशन मेरी सुनी हो तो इजीली आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट से अगर आप मटेरियल को इशू करते हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी मटेरियल की वो करंट प्राइस की नियर बाय ही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस इज टर्म एज, ये तो दोस्तों सभी जानते होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए दोस्तों आप फिक्स कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद आउटपुट। आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको फिक्स कॉस्ट के इक्वल कॉस्ट पे करनी ही करनी है। तो कंट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में हम वो एस्पेक्ट देखते हैं जहाँ पे आप सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, क्योंकि इससे बचा हुआ पोर्शन हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम सेलिंग प्राइस को वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करें तो हमारे पास कौन सा पोर्शन बचेगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, कई बार कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वगैरह सब आता है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन, क्योंकि अगर यहीं पे सब कुछ डिस्कस करने लगे तो बहुत लेंथी लेक्चर हमारा हो जाएगा।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मैं आपको सब चीज़ों का बेसिक बेसिक बताती चल रही हूँ जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सेलिंग प्राइस माइनस ब्रेक इवन सेल्स। जिसे आपने ब्रेक इवन कहा है यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को अगर आप अपनी प्रेजेंट सेल से लेस करते हो तो वो आपके लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप प्रॉफिट से नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन से ऊपर चल रहे हो। जितना ये ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना आपके बिजनेस के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा इसका डिफरेंस आएगा उतना बिजनेस के लिए क्या है, अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा था नो प्रॉफिट नो लॉस को क्या कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन सेल्स, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो इसी प्रकार के सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने का एडवांटेज आपको ये होगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको अपलोड करते ही मिल जाएगा। सेशन पसंद आए तो दोस्तों सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए और हमें आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।